वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शालू, आप देख रहे हैं एक्सप्लोरर शालू। सो गाइस, जैसा कि आपको टाइटल से देख के पता चल गया है, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो डिज़ाइनर साड़ी हॉल। इसमें बहुत सारी साड़ियाँ मैंने इंक्लूड की है और सारी साड़ियाँ जो रहेंगी एकदम डिज़ाइनर रहेंगी और किसी में सीक्वेंस का वर्क है, किसी में फ्रिल का वर्क है और किसी में लाइक जैकेट है। तो सब एकदम डिफरेंट डिफरेंट साड़ियाँ हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आप किसी भी वेडिंग में जाना चाहते हो और आपको एक डिज़ाइनर साड़ी की तलाश है तो इन साड़ी के ऊपर आप जा सकते हो। बट सबसे पहले आपको मैं एक एक करके परफेक्ट साड़ियां दिखाती हूँ जो कि आप पक्का परचेज करना चाहोगे मीशो से। सो अभी मीशो से मेरे साथ एक लोचा भी हो गया है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जल्दी किसी वीडियो में। और लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ हम साड़ियों के ऊपर ही बात करेंगे जो कि मैंने अच्छी अच्छी साड़ियां आज जो परचेज की हैं। सो फटाफट से तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और सबसे पहले जो मैं साड़ी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसका जो पिक है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, उसका प्राइस आपको शो हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको इसका कोड पता करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाना पड़ेगा और आपको पता चल जाएगा कि किस साड़ी का कौन सा प्रोडक्ट कोड है और आप वहाँ जा करके इसको परचेज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट साड़ी के साथ। जो फर्स्ट साड़ी है वो है सीक्वेंस वर्क में एंड बहुत 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 ही ज़्यादा प्रिटी है। सो ये ब्लैक एंड कलर में यहाँ पे आपको रिसीव होगी और इसको मैंने ओपन कर लिया था। एक्चुअली क्या, मैंने पहले भी वीडियो शूट किया था बट अच्छे से वो नहीं आया यार, उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो अब मैं ये वीडियो जो है दोबारा से शूट कर रही हूँ, अदरवाइज नहीं तो मैंने फुल ओपनिंग वीडियो भी इनकी रखी हुई थी बट अब वो नहीं है। सो ये है फर्स्ट साड़ी और ये पूरे सीक्वेंस वर्क में रहेगी। पूरी साड़ी के ऊपर यहाँ पे आपको सीक्वेंस का वर्क मिलेगा, बहुत ही प्यारा सा सीक्वेंस का वर्क है। ऐसा नहीं है कि मतलब प्लेट्स के अंदर आपको नीचे नीचे वर्क मिलेगा, नहीं, पूरी साड़ी के अंदर आपको जो है सीक्वेंस का वर्क मिलने वाला है, जिसमें साथ में आपके बॉर्डर के साथ यहाँ पे लेस मिलेगी। ये अलग से लेस लगी हुई है अटैच, मतलब ऐसा नहीं है कि ये वाला और ये वाला कपड़ा सेम है, नहीं, ये अलग से लेस लगी हुई है। एंड गाइस पूरे के अंदर आपको ये वाली लेस मिलेगी, आपको मैं दिखा देती हूँ। सो आप देख सकते हो पूरी साड़ी के अंदर चारों साइड बॉर्डर पे ये वाली लेस लगी हुई है, साथ में सीक्वेंस का वर्क, फुल्ली सीक्वेंस का वर्क है। सिर्फ इतना पार्ट जो है आपको प्लेन मिलेगा और उसके अलावा पूरी साड़ी के अंदर आप इस तरह से सीक्वेंस का वर्क देख सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा शाइनी है साड़ी, पार्टी वेयर के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, अगर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड पीछे से भी आप वर्क देख सकते हो, एकदम क्लियर है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा धागे वगैरह निकले हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और चुभने पे तो मैं क्या ही बोलूँ, सीक्वेंस का वर्क थोड़ा सा तो आपको अनकम्फर्टेबल रहता ही है लेकिन बहुत ज़्यादा इनमें है तो ये एकदम परफेक्ट रहेगी साड़ी अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो। तो पूरे पे यही वाला वर्क रहेगा और डिफरेंट कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ सीक्वेंस का वर्क है पूरी साड़ी के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा प्रिटी रहेगी। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे इसका ब्लाउज रिसीव हुआ है जो कि एकदम प्लेन है। मुझे लगता है ब्लाउज के अंदर थोड़ा सा और काम हो सकता था बट अगर नहीं है तो भी हम लेस वगैरह लगा के यहाँ पे इसको जो है थोड़ा सा परफेक्ट बना सकते हैं। साथ में यहाँ पे बाजू में भी वही लेस मिलेगी जो यहाँ पे आपने साड़ी में देखी है। तो ये है हमारी फर्स्ट साड़ी जो मीशो से मैंने परचेज की थी। तो अब देख लेते हैं सेकंड साड़ी, इसका पिक भी आप यहाँ पे देख सकते हो, प्राइस देख सकते हो और प्रोडक्ट कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो सेकंड साड़ी दिखाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करो गाइस, कहने की जरूरत ही ना पड़े क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है और इतने सारे प्रोडक्ट्स में से आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है चूज़ करने पड़ते हैं, मतलब मेरा दिमाग भी इतना ज़्यादा पजल हो जाता है कि क्या मंगवाऊँ क्या ना मंगवाऊँ। तो ये मेहनत है यार, ये मेहनत है, तो इसको अप्रिशिएट करो और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। तो ये है हमारी नेक्स्ट साड़ी जिसका कलर एकदम परफेक्ट है, येलो कलर में हमारी ये वाली साड़ी रहेगी। ये है फ्रिल में, पूरी फ्रिल में साड़ी रहने वाली है। तो ये इसका दुपट्टा है जो कि कुछ इस तरह से आएगा एंड पूरे दुपट्टे पे इस तरह से फ्रिल का वर्क है। तो ये पूरे फ्रिल का वर्क है, ये इसका रहेगा हमारा पल्लू पूरा एंड ये रहेगा हमारा प्लेट्स का पार्ट। प्लेट्स के पार्ट में थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ाई में जो है फ्रिल दे रखी है, तो आप देख सकते हो कलर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, साड़ी एकदम परफेक्ट की बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन तो एकदम परफेक्ट है यार, मैं क्या ही बोलूँ। सो यहाँ पे इस पर पिंक का और लाइट पिंक कलर का और येलो का और लाइट येलो कलर का वर्क दे रखा है, वर्क नहीं कलर ही दे रखा है। प्रिंट में है ये साड़ी, कोई वर्क वाली साड़ी नहीं है, तो एकदम सिंपल सोबर सी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी पसंद आती हैं।
जो बहुत ज़्यादा हैवी वर्क में होती है वो मुझे बहुत कम पसंद आती है, तो मेरे हिसाब से इतनी सॉफ्ट सिल्की और जॉर्जेट वाली साड़ियाँ बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहती हैं। अगर आप कहीं पे फंक्शन पे किसी पार्टी में डे पार्टी में जा रहे हो तो एकदम परफेक्ट रहेगी ये वाली साड़ी। सो एकदम सो ये थी हमारी नेक्स्ट साड़ी जो मैंने मीशो से परचेज की है। आप इसको आराम से परचेज कर सकते हो। अगर आप भी किसी पार्टी फंक्शन में जाना चाहते हो तो इसके ऊपर जा सकते हो। अगर आप इसका कोई भी मतलब ब्लाउज मिक्स एंड मैच करके बनाओगे तो और भी ज़्यादा प्रिटी लगेगा। लाइक आप देख सकते हो इस कलर में अगर इसका ब्लाउज बनवाओगे तो और भी ज़्यादा प्रिटी लगेगा। लेकिन जो इसके साथ ब्लाउज दे रखा है वो एकदम येलो कलर में ही है। सो ये है इसका ब्लाउज का पार्ट। साथ में बेस्ट पार्ट क्या है कि ब्लाउज के साथ यहाँ पे आपको इनर का कपड़ा भी साथ में ही दे रखा है। यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातें लगती हैं मुझे मीशो से। कई बार ये जो कपड़े आते हैं ना उनमें ये बेस्ट पार्ट होता है कि इनर साथ में ही आपको मिल जाती है। सो यहाँ पे ब्लाउज के साथ आपको इनर मिल जाता है। आराम से इसके साथ आप इसको स्टिच करवा सकते हो। अदरवाइज अगर आप मिक्स एंड मैच करना चाहते हो तो पिंक कलर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। सो ये है हमारी नेक्स्ट साड़ी। साड़ी रहने वाली है वो रहेगी जैकेट में। लाइक आप इसको शर्ट बोल सकते हो, जैकेट बोल सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे मीशो के ऊपर, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू भी करना बनता ही है। तो पहले तो हम जो है मैं आपको पूरी साड़ी ही दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह की साड़ी मुझे रिसीव हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ मुझे बेल्ट रिसीव हुई है, जो कि बेल्ट बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, एकदम फिनिशिंग में है। तो ये आप देख सकते हो चौड़ी, अच्छी खासी चौड़ी बेल्ट यहाँ पे मुझे रिसीव हुई है। साथ में यहाँ पे जो है लटकन वाली लेस नीचे नीचे लगी हुई है और साथ में यहाँ पे डोरी दे रखी है। मुझे लगता है हुक होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट डोरी भी ओके है। ट्राई करती हूँ मैं अगर ये सही रहती है कि नहीं रहती है, क्योंकि ये जो है थोड़ी सी रेशम में बोलते हैं ना, रेशम वाले धागे में डोरी है जो कि जल्दी ही खुल जाती है और अच्छे से सेट नहीं हो पाती। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर इसके साथ हुक होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये है इसकी बेल्ट एंड पूरे पे जरी का वर्क है, सीक्वेंस का वर्क है। सो ये इसके साथ मुझे बेल्ट रिसीव हुई है। साथ में हम साड़ी देख लेते हैं। साड़ी का कलर एकदम परफेक्ट है, मतलब वाइन कलर में साड़ी आपको यहाँ पे रिसीव हो रही है। पूरी साड़ी पे जो है एकदम पर प्लेन रहेगी, बिल्कुल प्लेन है। और फोर साइड बॉर्डर वाली साड़ी यहाँ पे आपको मिल रही है। सो साड़ी में इतना कुछ खास दिखाने लायक है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ ये वाली जो लेस है यही पूरी साड़ी में लगी हुई है। साथ में यहाँ पे इसके ब्लाउज का फैब्रिक दे रखा है। ब्लाउज का फैब्रिक एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है। कोई भी मतलब इसके अंदर ब्लाउज स्टिच आप कर सकते हो। सो मैं देख लेती हूँ एक बार, मैंने ब्लाउज इसका देखा नहीं है। सो हाँ जी, ब्लाउज के ऊपर भी यहाँ पे आपको वर्क मिल रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप इसके साथ जो है डिज़ाइनर ब्लाउज स्टिच करवा सकते हो, बहुत प्रिटी लगेगा। सो ये था इसका ब्लाउज, ये थी इसकी प्लेन साड़ी। साड़ी जो है पूरी जॉर्जेट के अंदर है, एकदम सॉफ्ट वाला जॉर्जेट है। ऐसा नहीं है चुभने वाला या फिर और किसी तरह का मतलब बेकार वाला फैब्रिक, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे वाला फैब्रिक है। तो यहाँ पे ब्लाउज का कपड़ा हमें रिसीव हो गया है, साड़ी का कपड़ा रिसीव हो गया है, उसके अलावा हमने बेल्ट देख ली है। और अब हम देख लेते हैं इसकी शर्ग मुझे कैसे रिसीव हुई है। तो शर्ग जो है पूरे लहरिया प्रिंट में मुझे मिली है, साथ में इसके ऊपर जरी का वर्क है। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगा था मुझे कि देखती हूँ मैं मंगवा के कैसी लगती है इस तरह की साड़ियाँ। तो ये है पूरी बाजुओं के साथ आपको यहाँ पे शर्ग मिल रही है। साथ में ये पूरा आप देख सकते हो जरी का वर्क है और यहाँ भी पूरी बाजू आप देख सकते हो, थोड़ा सा फ्रिल का भी डिजाइन है आगे। एंड जो आप शर्ग देख रहे हो ऐसी छोटी मोटी वाली शर्ग नहीं है, कम लेंथ वाली नहीं है, पूरी आपके नी लेंथ तक आ जाएगी शर्ग, तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगी। और पूरे पे फ्रंट पार्ट पे इस तरह से आपको वर्क मिल जाएगा। सो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कॉन्सेप्ट शर्ग वाला, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं, फर्स्ट टाइम ट्राई भी कर रही हूँ मैं, तो देखते हैं कैसा लगेगा पहनने के बाद। और बहुत ही अच्छा फैब्रिक है शर्ग का भी, शिफोन फैब्रिक है, आप इसको आराम से जो है डाल सकते हो। सो गाइज ये थी आज की तीनों साड़ी जो मैंने मीशो से परचेज की थी। आप अगर इनको परचेज करना चाहते हो तो आपको प्रोडक्ट कोड जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बिल्कुल मत भूलना मेरे चैनल को गाइज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज जो है फ्यूचर में आने वाली हैं। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय guys।